की तरफ ले जाता हूं, जिसने इस लॉकडाउन के समय मीडिया के संघर्ष को दिखाने की कोशिश की, जो अभी तक सरकारें नहीं देख पाई। चित्रकार का नाम रूपचंद है और वे अशोक विहार में एक कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। सुनिए क्या कहना है उनका। नमस्कार, मेरा नाम रूपचंद है, मैं एक चित्रकार हूँ। मैंने कुछ जो कलाकृतियों का निर्माण किया है, उसमें से एक जो कलाकृति है, ये मेरे कर्मयोद्धाओं में हमारे जो जितने भी मीडिया पर्सन है उनको मैंने चित्रित करने का एक ये प्रयास किया है। ये उन सभी जितने भी मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो संपादक हों, चाहे वो अपना कोई रिपोर्टर्स हों, चाहे वो कैमरामैन हो, जितने भी मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, कोई सा भी मीडिया है, तो उन सब के लिए जो इस जो कोरोना महामारी जो चल रही है उसमें अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं बहुत ही काबिल तारीफ है। अगर सोचिए कि अगर ये मीडिया नहीं होता तो जितनी भी ये देश विदेश की जो खबरें हैं तो हमारे तक वो कैसे पहुंचती। तो मैं इस पेंटिंग के माध्यम से उन सभी को मैं समर्पित करता हूँ। मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अपनी ऐसी एक कोरोना वायरस की जो परिस्थिति है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं उन सभी को जितने मीडिया पर्सन है मैं नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। रूपचंद ने दिल्ली के सम्मानित पत्रकार भाई राजेंद्र स्वामी की ये तस्वीर उनके कोरोना वायरस की खबरों की पड़ताल के दौरान बनाई गई है। स्वामी दिल्ली दर्पण टीवी के चेयरमैन हैं। हेडलाइंस इंडिया टुडे की टीम रूपचंद जी को सलाम करती है। इन्होंने पत्रकारों के इस संघर्ष को पेंटिंग के माध्यम से देश की जनता को दिखाया और देश की सरकार को भी समझना चाहिए कि पत्रकार इस मुश्किल की घड़ी में देश की सेवा कर रहे हैं और देश की हर मुश्किल की घड़ी में देश की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। जल्दी तमाम मीडिया के इन समूह के लिए कोई योजना लाई जाए, जिससे कि ये अपने संस्थान पर निर्भर ना रहकर सीधे सरकार से मदद प्राप्त कर सके। अब मुझे दीजिए इजाज़त ऐसी ही देश हित की खबरों को देखने के लिए। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।